शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया। पार्टी के समस्त कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि 4 साल पहले आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, जनता से जो जो वादे किए थे वह सभी वादे अधूरे निकले। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है। शनिवार को सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य इकट्ठा होकर आज के दिन विश्वासघात के रूप में मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मे वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। के प्रदर्शन कर रहे हैं लोग आज मोदी सरकार द्वारा केंद्र में 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा होने के लक्ष्य में इनके द्वारा चुनाव के समय में जब इन्होंने जनता के बीच में जाकर मत मांगने का काम किया था, उसमें से एक भी वादा इनके 4 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ। उल्टे उसका उल्टा काम हुआ, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात हुई, काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जो गबन करके चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, वो देश छोड़ के फरार हो जाते हैं। चाहे एक सैनिक के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिक का सिर लाने की बात हो, लेकिन उल्टा आज दिन प्रतिदिन भारतीय सैनिकों की शहादत की संख्या बढ़ती जा रही है और उल्टे ये क्या काम कर रहे हैं, जो वहाँ के गद्दार हैं, जो सेना पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसे 9,228 पत्थरबाजों को इन्होंने छोड़ देने का काम किया। अभी जब इन्होंने रमजान के महीने में, रमजान एक पवित्र महीना, लेकिन अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आतंकवादियों के लिए कोई रमजान और कोई दीपावली नहीं, कोई इस तरह का त्यौहार नहीं होता है, और उनके इस सीजफायर को लागू करने के साथ ही पाकिस्तान द्वारा निरंतर वर्ष रूप से एक जो है सेलिंग हो रही है, जिससे तमाम 1 लाख लगभग अरनिया सेक्टर के जनता को गांव छोड़ना पड़ा। 7-8 हमारे जो है नागरिक जम्मू कश्मीर का शहीद होते हैं। कहने का ये अर्थ है तो इन्होंने जो जो कहा, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, चाहे इन्होंने देश के अंदर जो है एक रेलवे को सुधार करने की बात हो, चाहे जितने भी बातें इन्होंने किया है, वो सारे वादे तो नहीं किए, वास्तव में उस वादों को पूरा ना करके इन्होंने देश की जनता को साथ छला किया और उनको उल्टा करके कुछ क्षेत्रों में जनता के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। उसके विरोध में आज हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम के इस गोरखपुर के इस प्रांगण में एकत्रित होकर इनके इस सरकार के असली मंसूबों के असली चेहरे को अपने इस प्रदर्शन के द्वारा, आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं।